हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक शर्मा, वेलकम यू ऑल इन द बायोजोन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट द 3 लेटर एंड द 1 लेटर कोड ऑफ अमीनो एसिड, जस्ट लाइक द ग्लाइसिन फ्रॉम GLYG, एलेनिन फॉर ए, एलेनिन फॉर एंड सो ऑन। दिस अमीनो एसिड्स की हमने बात करी थी 3 लेटर कोड के लिए और एज वेल एज 1 लेटर कोड के लिए। हम इस लेक्चर में एक बार इसे देख लेते हैं कि एक व्यू डालते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन को जी, एलेनिन को ए, वैलिन को वी, ल्यूसिन को एल, आइसोल्यूसिन को आई, प्रोलिन को पी, मेथियोनिन को एम, फेनिलएलनिन को एफ, टायरोसिन को वाई, ट्रिप्टोफैन को डब्ल्यू, सेरीन को एस, थ्रियोनिन को टी, सिस्टीन को सी, एस्पारजिन को एन, ग्लूटामिन को क्यू, लाइसिन को के, आर्जिनिन को आर, स्टीरिन को एच, एस्पार्टिक एसिड को डी और ग्लूटामिक एसिड को ई। इस तरह से हमने एब्रिवेशन और ये जो कोड, जिनको एब्रिवेशन या एज वेल एज कोड भी कह सकते हैं, हमने देखे थे। और ये कोड किसने दिए थे? डॉक्टर डेहोफ ने दिए थे। इसी कोड के बेसिस पर अब हम देखेंगे इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। उसमें हम कीटोजेनिक भी देखेंगे, कौन कौन से कीटोजेनिक होते हैं, कौन कौन से इसेंशियल होते हैं, कौन कौन से सेमी इसेंशियल होते हैं और कौन कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब सेमी इसेंशियल होता क्या है, नॉन इसेंशियल होता है क्या और इसेंशियल क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लेक्चर को। अब हम बात करते हैं इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल की। क्या होता है इसेंशियल? तो इसेंशियल वो होता है कि जिसकी जरूरत हो हमें, ठीक है। जैसे कि अमीनो एसिड्स की बात करते हैं कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स हमारे लिए इसेंशियल होते हैं। उनको इसेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी उस तरह के अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। क्यों सर, वजह क्या है? हो सकता है कोई से एंजाइम ना हो, या हो सकता है वो मटेरियल ही ना हो, ठीक है। तो क्या सर इसेंशियल अब हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे, फिर क्या करेंगे इनका? तो वो क्या हम बाहर से लेते हैं, जैसे डायट्री मटेरियल, मतलब कि खाने के रूप में या किसी भी रूप में, ज्यादातर खाने के रूप में लेते हैं हम प्रोटीन को, ठीक है। तो हम उन अमीनो एसिड्स को क्या करते हैं या उन प्रोटीन को क्या करते हैं, हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। इसेंशियल में प्रोटीन भी कह सकते हैं क्योंकि अमीनो एसिड भी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो वो अमीनो एसिड्स हम इसेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर पाते, और हम वो कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं, मतलब कि हम उनको डायट्री मटेरियल या फिर किसी भी तरीके से वो अमीनो एसिड्स को हम लेते हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते। बात करते हैं सेमी इसेंशियल की। सेमी इसेंशियल का 50-50% रहता है सर। 50-50% कैसा? कुछ तो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, कुछ हम बाहर से लेते हैं। सर कैसा? एग्जाम्पल मान लो कि एज ए एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 kg अमीनो एसिड बनाना है सेमी इसेंशियल को, तो 500 ग्राम हमारी बॉडी बना रही है, 500 ग्राम हम उसको इंटेक कर लेते हैं, मतलब बाहर से हम अपन ले लेते हैं उन अमीनो एसिड्स को। तो 500 ग्राम बाहर से ले लेंगे, 500 बॉडी हमारी बना लेती है, तो हो गया 1 किलो बनाना था, तो उनको सेमी इसेंशियल कहते हैं। नॉन इसेंशियल मतलब कि हमें बाहर से लेने की नहीं जरूरत है, हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में वो एंजाइम या वो मटेरियल प्रेजेंट है और हमारी बॉडी ही उसका निर्माण कर लेगी, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि हम हमारी बॉडी से वो अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर लेगी, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल, मतलब हमें कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। 3 टर्म पड़ी, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एंड सेमी इसेंशियल, ठीक है। अब हमें तो पता है कि सेमी इसेंशियल क्या हो गया, नॉन इसेंशियल क्या हो गया एंड इसेंशियल क्या हो गया, ठीक है। अब कौन कौन से अमीनो एसिड इन तीनों में आते हैं, मतलब इसेंशियल में कौन आता है, सेमी इसेंशियल में कौन आता है, नॉन इसेंशियल में कौन आता है, ध्यान दीजिएगा। इसेंशियल में आता है WIFKLMTB और इसकी ट्रिक क्या होगी याद रखने के लिए, वाइफ के लिए MTB लगाया, वाइफ के लिए MTB, ठीक है। आपके ऊपर, आपको जो जिस तरह जो ट्रिक लिखनी हो, जिस तरह की ट्रिक लिखनी हो, आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से ये अच्छी ट्रिक है कि वाइफ के लिए MTB जल्दी याद हो जाएगा, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप कैसा सुन सकते हैं। इसेंशियल जिसको हमें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, हमें बाहर से लेना है, और उसमें कौन कौन आते हैं, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, मेथियोनिन, थ्रियोनिन एंड वैलिन, ठीक है। किसमें सर हमेशा काई, अगर सिंगल लेटर कोड में तो किस किस में दिक्कत आती है? हमको ल्यूसिन और लाइसिन में दिक्कत आती है, के इज फॉर लाइसिन, एल फॉर ल्यूसिन, ओके सर। हमको ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलनिन में भी दिक्कत आती है, तो कुछ नहीं, WF से डिनोट होते हैं ट्रिप्टोफैन और फेनिलएलनिन, जबकि भाई जब हम नॉन इसेंशियल देखेंगे तो वो टायरोसिन के लिए होता है, ठीक है सर। सेमी इसेंशियल मतलब 50% हमारी बॉडी उसका सिंथेसाइज कर लेगी और 50% हमें
हमें बाहर से लेना है, ठीक है। अब बाहर से लेना है तो कौन, आर एच राहुल, आर एच राइट है, जो आपको लेना वो ले सकते हो, ठीक है। तो आर फोर आर्जिनिन, एच फोर हिस्टिडीन। अब जब आपने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और दो दस हो गए हैं, तो रेस्ट ऑफ द 10 अमीनो एसिड्स किसमें आएंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, हमें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में क्या आता है, रेस्ट ऑफ द ऑल अमीनो एसिड्स, ये 10 को छोड़कर। सर उनमें भी क्या अमीनो एसिड आ रहे हैं, भगवान थोड़ा मेहनत आप भी कर लो। गेस सेल क्यू डेपी, आपके साथ ट्रिक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, सिस्टीन, आपका एस्पाराजिन, ठीक है, ये आर्जिनिन था, ये एस्पाराजिन है, ठीक है। ग्लूटामिन, एस्पार्टेट, ग्लूटाम, प्रोलिन एंड टायरोसिन, ये हो गए आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल की बात करें, सेमी एसेंशियल की बात करें, नॉन एसेंशियल की बात करें। अब हम बात करेंगे ग्लूटाजेनिक की और कीटोजेनिक की, वो भी एक टाइप है किसका, अमीनो एसिड का। तो बात करते हैं हम उसके साथ साथ एक एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का भी, एक मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा, तो आ जाते हैं सेकंड स्लाइड में। तो ये हम आ गए हैं कीटोजेनिक पर, ठीक है, कीटोजेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक, ठीक है, ग्लूकोजेनिक या ग्लूकोकीटोजेनिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, सबसे पहले ना मैं जो व्याख्या की बता रहा था कि ऐसा होता है कि देखो नॉन एसेंशियल क्या है कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है, और एसेंशियल क्या है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है, हम बाहर से लेते हैं। अब जो जिम वाला बंदा है, ठीक है, जो नीम हकीम जान, जो जिम वाला बंदा है हमारा, वो क्या करता है, उसको बॉडी बनाना है, भयंकर जोर से बॉडी बनाना है, ठीक है, खतरनाक बॉडी बनाना है। तो क्या कर रहा है, वो बाहर से प्रोटीन या अमीनो एसिड्स इंटेक कर रहा है, बड़े बड़े डब्बे ले आया है, ठीक है, और अब वो क्या कर रहा है, ब्लाइंडली उनको इंटेक करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो डब्बों में भर भर के नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। अब नॉन एसेंशियल की डेफिनेशन खुद बोलूँ, नहीं तो मैं बोलूँगा तो फिर बोलोगे सर एक बात को बार 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 बार। नॉन एसेंशियल मतलब कि बॉडी सिंथेसाइज कर रहा है और फिर भी वो बाहर से ले रहा है, पर्टिकुलर वो बंदा फिर भी बाहर से ले रहा है, तो अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। ये आपने भी सुना है, ये मैंने भी सुना है, और अभी मैंने कहा भी है ये कि अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स बाहर से ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी बाहर से ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी में अति हो रही है किसकी, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन या अमीनो एसिड्स जो भी हैं वो एलिमिनेट होते जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिजीज के अंदर में आता है, जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे उस टाइम पर हम इस चीज की बात करेंगे कि किस तरह से हमको हर चीज को एक मेंटेन, उनका इंग्रेडिएंट देख के लेना चाहिए, ठीक है। चलो बात को खत्म करते हैं, जल्दी से हम पढ़ते हैं कीटोजेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक की। हमारे सर थे वो हमेशा कीटोजेनिक को हमेशा कार्टोजेनिक कहते थे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला ट्रिक है इसकी, इसके पीछे उनका कहना था कि कीटोजेनिक मतलब KL, इट्स फ्रॉम लाइसिन एंड ल्यूसिन। अब कीटोजेनिक क्या है, लाइसिन एंड ल्यूसिन, KL मतलब कि काजल, ठीक है, काजल अग्रवाल ले लो, काजल कोई सी ले लो, आपको आपकी इच्छा, ठीक है। तो कीटोजेनिक क्या है, काजल, और कार्टोजेनिक कौन है, काजल। ये सिर्फ एक हंसी मजाक के लिए और सिर्फ याद करने के लिए है, इससे कोई से किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है, ठीक है। कीटोजेनिक इसके, ठीक है, काजल अगर याद करना है कहा तो। ग्लूकोकीटोजेनिक इट्स इंटेलिजेंट वाइफ, सर इंटेलिजेंट वाइफ मतलब ITWYF, ग्लूकोकीटोजेनिक मतलब ITWF वाई या WYF, जैसा कि आपको लेना हो। तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिलएलनिन, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन किसमें आते हैं, ग्लूकोकीटोजेनिक में। कीटोजेनिक में कौन आता है, के और एल, इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट कह सकते हो, या फिर इंटेलिजेंट टैलेंटेड वाइफ, इंटेलिजेंट टैलेंटेड वाइफ कैसे भी कह सकते हो। तो ये कीटोजेनिक हुआ, ये ग्लूकोकीटोजेनिक हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले 3 लेटर कोड और 1 लेटर कोड जो था, एब्रीवेशन था, उनको हमने रिकॉल किया, क्योंकि हमने उनको ऐसे ही लिखा है। तो वो रिकॉल इसीलिए किया था कि हमें इस टाइम पर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इस टाइम पर ऐसा नहीं, इस टाइम मतलब ये जो मैंने के लिखा है तो वैसे सोच लेना बैठे होंगे सर के पहली बार देखा के, तो ऐसे सोचो ना, इसलिए ये लिखा हो, ठीक है। इसलिए उसको अपन ने पहले रिकॉल किया था। उसके बाद हमने देखा एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल, और उसके बाद हमने कीटोजेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक देखा।
मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जिनको और हेल्प चाहिए वो ये लेक्चर उनके दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। आपके थ्रू आउट लेक्चर आते रहेंगे बायोकेमिस्ट्री पर, पूरी बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर कवर होगी। तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करके हमको बताते रहें कि हमें क्या दिक्कत आ रही है लेक्चर में या फिर क्या अच्छा लगा लेक्चर में, ठीक है। तो अब अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, अगले वीडियो में, अगले वीडियो के लिए थोड़ा कंटेंट देखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।